तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं काया का खाना बन रहा है। तो ये हमारा भाई जो है, इसको अदरक डाल रहे हैं और एक टिंडा। और क्या क्या डाल दिया है भाई? बस 1 किलो बोनलेस चिकन है और 1 कप चावल उबाल के। 1 कप चावल उबाल के और 1 किलो बोनलेस चिकन है। दो चम्मच अदरक के। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ बोनलेस। तो ये काया का खाना तैयार हो रहा है हमारे डॉगी का चिकन। तो नाज़रीन, ये डाल रहे हैं टिंडा बीच में। और अभी इसमें ऐड करेंगे अदरक 2 चम्मच। एक किलो बोनलेस चिकन हो गया और अदरक भी हो गया और बैंगन टिंडे भी हो गया। तो अब हमारा भाई जो है कुकर को बंद करके 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा रहे हैं। 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये देखें चावल भी हमारे अपने वास भाई ने रख दिया है भिगो के। तो अभी ये बाद में उबालेंगे, तब तक हमारा जो है ना चिकन बोनलेस भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसको उबाल के फिर मिक्स करेंगे। नाज़रीन, हमारा काया का भी खाना तैयार हो गया। तो ये सर्पेक्स गोली है, ये कूट के हम 2 गोलियां देते हैं पीस के। एक काया को दे रहे हैं और 1 कारला को। तो ये अब भाई ने फीस रहे हैं, समझो फीस लिए गोलियां। और 1 गोली ये, तो ये गोली ऐड की, ये भी फीस के देते हैं। ये गोली भी फीस ली है अपने आदमी ने, क्योंकि रात का खाना इनका तैयार हो रहा है। तो इसके बाद अब आपको दिखा रहे हैं साथ के, इसके बाद आगे अंडे। ये कच्चे अंडे हैं, तो कच्चे अंडे भी बीच में ऐड कर दिए, एक और ये दूसरा। ये कारला की खुराक तैयार हो रही है और वो जो है ना वहाँ पे काया की। तो ये अंडे नवाज भाई बैंड रहे, फीट लिए उसने, तोड़ दिए अंडे सारे, चिकना मचूर कर दिया अंडों का। और नाज़रीन, ये देखें काया का भी खाना रेडी हो गया, चिकन बोनलेस और चावल और बीच में 2 अंडे भी हैं। अंडे हमने साथ ही बॉईल कर लिए थे, अंडे हमने साथ ही उबाल लिए थे। तो अभी देखें, अभी इन अंडों को भी तोड़ेंगे, अंडे उबाल को उसको देते हैं काया को। Okay.
टाइम ज़्यादा हो जाए। तो नाजरीन देखें, ये मिक्स कर रहे हैं नवाज भाई, चिकन बोनलेस भी है, चावल भी है, और बीच में अंडे और दो गोलियां और एक कैप्सूल, ये इनको अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। तो नाज़रीन हम चलते हैं कारला को खाना देने, तो आप आइए साथ। तो नाज़रीन हम ले आए हैं कारला का खाना, तो अभी कारला को खाना रखेंगे यहाँ पे। कारला, तो देख रहे हैं कारला खाना खाने शुरू हो गई है। और वो फीड रखी है इनकी ताकि जिस टाइम मर्जी हो ये उठा ले खुद ही, अगर इसको भूख लगी हो तो। तो कारला जो है खाना खाने शुरू हो गई है, खाना खा रही है।